वो नैड अकेला सबके ऊपर भारी पड़ रहा होता है, कोई भी उसके सामने टिक नहीं पा रहा होता है। स्प्रेड कहती है तुम्हारे पास तो वाकई में कितने वफादार सैनिक है, जब तक वो उसे वहां पर रोक रहे हैं तुम्हें इस मौके का फायदा उठाकर बच के निकल जाना चाहिए। वो गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम मेरे को बस यही बात बताने के लिए यहाँ पर आई हो, हाउ यूजलेस, कितने बेकार हो तुम। और वो घबराते हुए उन्हीं की तरफ ही देख रहा होता है कि तभी उसकी नजर हल्के से ऊपर पड़े आती है और उसे नजर आ जाते हैं नेकोमोन और खासकर लिंडा। लिंडा चिल्लाते हुए कहती है आखिर तुम अभी भी इतना हेजिटेट क्यों कर रहे हो, मेरे को विश्वास नहीं होता कि मैंने तुम जैसे कार के साथ डील करी उस ड्रैगन आई को वापस लाने के लिए। तभी यान कहता है तुमको इतना हार्श होने की जरूरत नहीं है, कभी कभी मैं भी थोड़ा नर्वस हो जाता हूँ, मैं तो बस जरा फ्रिके से अपने पोजिशन के बारे में सोच रहा था और उन सारे इंपॉर्टेंट चीजों को याद कर रहा था, जैसे कि वो लोग जिनको मुझे प्रोटेक्ट करना है और वो कर्जा जो कि मुझे रिपे करना है, और वैसे मैंने अतीत में इससे भी बदतर सिचुएशन के ऊपर काबू पाया है और आज मैं ऐसा फ्रिके से करूंगा। और वो अपने तलवार के साथ खड़ा हो जाता है, उसकी तलवार से एक अजीब सी रोशनी निकल रही होती है जो देखकर वो काफी हैरान हो जाती है और कह रही होती है तुमने तो फोर्स को यूटिलाइज कर लिया है। उसकी तलवार से हल्की सी एनर्जी निकल रही होती है जिसको ये लोग फोर्स कहते हैं और वो उसी के साथ सामने बढ़ रहा होता है। ये देखकर रोंडो भी काफी चौंक गया होता है और जो स्पिरिट है वो भी सोच रही होती है, हालांकि ये कमजोर है लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं कि वो यहाँ पर फोर्स का यूज कर रहा है। और वो उसके पास आती है और पूछती है आखिर तुमने ऐसा कैसे कर लिया, मैंने तो तुमको पहले कभी भी इसके प्रैक्टिस करते हुए नहीं देखा। वो कहता है ऑब्वियस है ये मेरा फर्स्ट टाइम है जब मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये सुनते से वो चौंक जाती है और चिल्लाना शुरू कर देती है। यान कहता है थोड़ा शांत हो जाओ, वो यहीं आ रहा है। तो फिर वो नायर अपने घोड़े के साथ यूटर्न लेकर नोट यान की तरफ तेजी से बढ़ रहा होता है और अपनी तलवार से उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन यान नीचे की तरफ झुकते हुए उसके अटैक से बच गया होता है और वो घोड़ा आगे की तरफ लेके चला जाता है। और वो स्पिरिट उसके पास आती है और कह रही होते हैं मैं नहीं जानते कि तुम ये कैसे कर पा रहे हो, लेकिन तुम अपने इस फोर्स को ज्यादा टाइम तक मेंटेन करके नहीं रख पाओगे। वो कह रहा होता है मैं भी इस बात से अवेयर हूँ और वो सोच रहा होता है मैं हेड टू हेड तो उसको नहीं हरा सकता और अगर ऐसी बात है तो फिर मेरे को वो करना पड़ेगा। और फिर साथ ही वो अपने तलवार के साथ फ्रिके से उसका सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। वो नेट फ्रिके से आगे बढ़ता है अपने हथियार के साथ। वो स्पीड कह रही होती है आखिर तुम्हारा क्या करने का प्लान है। वो चुपचाप यहाँ पर खड़ा होता है और वो लोग भी सांस से भर कर यान की तरफ देख रहे होते हैं। और वो नेट उसके काफी करीब हो जाता है और अपने हथियार से उसके ऊपर अटैक करता है। वो अपने तलवार से उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है लेकिन उसके पावर की वजह से वो आसमान में काफी ऊपर तक उचक जाता है और फिर वो वहीं खड़े खड़े अपने फोर्स का इस्तेमाल करने लगता है और वो ये भी समझ जाता है, इसलिए वो फटाक से अपने घोड़े से उतर जाता है जब यान ने उसके ऊपर अपनी फोर्स का इस्तेमाल करते हुए एक स्लैश करा था, तो वो अपने घोड़े से उतर के भाग जाता है। और ये देखकर जो वो स्प्रिट रहती है वो काफ़ी हैरान हो जाती है और बोल रही होती है इसने टेलीपोर्टेशन का यूज़ करके बचने के बजाय उसके अटैक का इस्तेमाल करा, ये बहुत ही खतरनाक था लेकिन साथ ही काफ़ी इंप्रेसिव भी। यान अपनी तलवार को फेंक देता है और चिल्लाते हुए कहता है रोंडो मुझे अपना ब्लेड दो, तो रोंडो भी अपनी तलवार को यान की तरफ फेंक देता है, वो उसकी तलवार को कैच कर लेता है और वो वहीं से नीचे आते हुए उस नेट के ऊपर जब उधर स्लैश मारता है अपनी फोर्स का इस्तेमाल करते हुए। और फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है यहाँ पर सब कुछ शांत हो जाता है, सभी मोशन मर गए होते हैं शायद और इन लोगों ने कहीं पर डेरा लिया होता है और यान नीचे पड़ा हुआ रहता है और जब उसे होश आता है तो उसके सामने सभी लोग होते हैं। रोंडा उसे सहारा देती है लिंडा और कह रही होती है जरा संभल कर। यान कहता है मुझे खुशी है कि तुम्हें कोई भी चोट नहीं लगी लिंडा। लिंडा कहती है तुम यहाँ पर हमको बचाने के लिए आए, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है, ये देखते ही वो पैनिक करने लगता है और कह रहा होता है मेरे को खुशी है कि तुम जिंदा हो, अब रो तो मत, और क्या तुम्हें वो हो जिसने मेरे को हिलकारा। वो कहती है नहीं वो मेरे फादर थे। यान कहता है अच्छा तो नेकोमोन है कहाँ पर। वो बताता है कि वो अभी दूसरे सोल्जर का इलाज कर रहे हैं। ये सुनते से वो कहते हैं अच्छा तो इसका मतलब वो काफी ज्यादा बिजी है। और रोंडो मुझे रिपोर्ट दो सोल्जर्स के क्या हालत है। रोंडो कहता है 15 लोगों की कंडीशन काफी क्रिटिकल है और 37 लोग घायल हो गए हैं। यान पूछता है और मौत के बारे में क्या। वो कहता है थैंकफुली 0 है, हालांकि उनकी कंडीशन काफी क्रिटिकल है लेकिन लकीली वो लोग सर्वाइव कर गए हैं। ये सुनते से यान कहता है ये सुनकर अच्छा लगा। लिंडा कहती है ये सारी मेरी गलती है माय लॉर्ड, मैं किसी भी पनिशमेंट को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। तभी जोस कहते हैं नहीं वो मैं था, मेरी ही लापरवाही की वजह से ये सब कुछ हुआ है। यान कहता है जो उसने मुझे पहले सब कुछ बता दिया है, उसने कहा था कि तुम इस जगह पर किसी चमत्कारी औषधि की तलाश में आए थे, तो क्या तुम लोगों ने वो ढूंढ ली। जोस कहता है वेल हमें कुछ मिला तो था। लिंडा बताती है हमें डेंजन के एंट्रेंस पर उस स्टोन चेम्बर में एक एशियन भाषा में लिखा हुआ टेक्स्ट मिला था, हालांकि उसके कुछ हिस्से डैमेज हो गए हैं और हमें किसी ऐसे पर्सन को ढूंढना होगा जो कि उस लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर सके। और जोस कहता है वो चीज जिसने रात भर में मेरे सड़ते पैर को ठीक कर दिया था, अगर इससे हमें वैसे कुछ बनाने में हेल्प मिल सके तो ये काफी अच्छा होगा। यान कहता है लेकिन पहले अपन को उसको ट्रांसलेट करने की जरूरत होगी है ना। लिंडा कहती है मैंने उस पोर्शन के इफेक्ट को
खुद देखा है, इसलिए इसके ऊपर रिसर्च करना बहुत ही रहेगा। अगर तुम मुझे थोड़ा टाइम दे देते हो तो मैं इसको ट्रांसलेट कर दूंगी और साथ ही वो एक्सेलरेटर भी तैयार कर दूंगी। अयान कहता है, वेल मुझे यकीन है कि मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास कर सकता हूँ। लिंडा लिंडा भी कहती है, ऑफ कोर्स इसके लिए जो कुछ भी करना होगा मैं करूंगी। अयान कहता है, ठीक है फिर फिलहाल के लिए नेको मोन की हेल्प करो सोल्जर्स को ठीक करने के लिए। वो कहती है ओके, और यान कहता है, बच हुए सोल्जर्स मेरी हेल्प करो, अब लोग खजाना ढूंढने गए, अब लोग खाली हाथों घर वापस नहीं जा सकते। फ्यू बॉयज तो दिखाया जाता है, सब लोग बहुत ज्यादा चेयरअप हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, सभी के सभी बहुत ज्यादा निराश होते हैं। और यान कह रहा होता है, ये जगह तो कम्प्लीटली खाली निकली, मैं तो सोचा था कि अब तो मैं अमीर बन जाऊंगा, लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी नहीं मिला। और स्पिरिट उसकी ऐसी हालत देखकर जोर जोर से हंसना शुरू कर देती है। तभी रोंडो यहाँ पर आता है और कह रहा होता है, माय लॉर्ड वापस जाने की सारी तैयारी कम्प्लीट हो गई है। यान कहता है, ठीक है फिर तो यहाँ से चलते हैं, वैसे भी यहाँ से जिंदा वापस जा पाना भी खुद में ही एक रिवॉर्ड है। और वो सारे वहाँ से निकलना शुरू कर देते हैं चलते हुए, और सबसे आगे यान चल रहा होता है और लिंडा की नज़रें होती हैं उसके ऊपर। और फिर नेक्स्ट दिन दिखाया जाता है, वो लोग होते हैं अपने शहर में, और जो यान है वो अपने कार्सल में होता है और गार्डन में पड़ा हुआ रहता है। स्प्रिट गुस्सा करते हुए कहती है, तुमको इसकी वजह ट्रेनिंग करनी चाहिए कि। तभी रोंडो यहाँ पर आ जाता है और बता रहा होता है, लॉर्ड यान फाइनेंशियल आपके ऑफिस में आए हुए हैं। वो कहता है, क्या मेरा अभी बिल्कुल भी हिलने का मन नहीं हो रहा है, उससे बोल दो कि वो यहीं पर आ जाए। वो कहता है, ठीक है माय लॉर्ड। और फिर टैक्स में दिखाया जाता है, थॉमस सिटी से उतरते हुए नीचे आ रहा होता है और बड़बड़ा रहा होता है कि मैं उसके ऑफिस में जाने के लिए इतनी सही सीढ़ी चढ़ के ऊपर आया, लेकिन अब वो मेरे को नीचे बुला रहा है। हाँ, मेरे घुटनों में दर्द कर दिया है उसने। और फिर वो यान के पास पहुंच जाता है। यान कहता है, थॉमस आई एम सॉरी मैं तुमको इस तरह से ग्रेट कर रहा हूँ, वो क्या है कि ये सनलाइट बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। थॉमस कहता है, अरे कोई बात नहीं माय लॉर्ड। वो रोंडो से कहता है, रोंडो तुम यहाँ से चले जाओ, मेरे को फाइनेंशियल में थोड़ी अकेले बात करनी है। वो कहता है, ठीक है मैं समझ गया, और वहाँ से वो चलते हुए चला जाता है। और फिर यान उससे कहता है, तुम्हें पता है थॉमस मैं कल बेसमेंट में गया था और मुझे मेरी लाइफ का सबसे बड़ा झटका लगा। ये सुनते इससे वो घबरा जाता है और कह रहा होता है, आखिर वहां पर क्या गलत था। और वो कहता है, बेसमेंट की तिजोरी पूरी तरह से खाली थी। और क्या तुमने ये नहीं कहा था कि अगर मैं तुम्हारी जान बख्श देता हूँ तो तुम सचमुच सारी चुराई गई चीजें मुझे लौटा दोगे। और जब तुम्हारा लॉर्ड खतरनाक टेंशन में अपनी जान को जोखिम में डाल रहा था पैसे कमाने के लिए मोस्टरों से लड़ रहा था, उस वक्त तुम क्या कर रहे थे। वो कहता है, वेल सब कुछ अलग अलग जगह पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए उन सबको वापस लाने में मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। यान कहता है, अगर कोई हमारी बातें सुन लेता है तो वो तो ये सोचेगा कि मैं तुमको बिना बात के पनिशमेंट दे रहा हूँ, लेकिन शुरुआत से ही वो फिर सारा पैसा तो मेरा था ना। थॉमस कहता है, यस माय लॉर्ड। यान कहता है, हर बार जब मैं उस खाली तिजोरी के बारे में सोचता हूँ तो मेरे मन में तुम्हें मार कर एक नया फाइनेंशियल रखने का विचार आता है, इसलिए जल्दी करो और मेरी चीजें लौटा दो, मैं अभी भी तुम्हारे ऊपर काफी दया कर रहा हूँ। और क्या तुमको इसमें कुछ गलत लग रहा है, क्या तुम इतने परेशान हो कि तुम मरना चाहते हो। वो घबरा जाते हो, कह रहा होता है, अरे नहीं माय लॉर्ड। यान कहता है, क्या तुम जानते हो कि एडमिनिस्ट्रेटर ने मुझसे क्या कहा, उसने कहा कि मेरे सभी लोग मैंने टैक्स को कम कर दिया है इसलिए वो बहुत ही ज्यादा खुश है, और मुझे हैरानी हो रही है कि तुम्हारी वजह से कितने लोगों ने मेरे नाम को कोसा होगा, और तुमको नोमस की तुलना में कम से कम आधा मददगार बनने की कोशिश तो करनी चाहिए थी। यह सुनते ही थॉमस कहता है, लौट के आप सच में जैसा सोचते हो कि एडमिनिस्टर के हाथ में से ज्यादा साफ हैं। एडमिनिस्टर की परमिशन के बिना किसी भी तरह से मैं पैसों को गायब नहीं कर सकता था, और शेफ विलेज में मेरे कंपेरिजन में उसके ज्यादा नजदीक है। यान कहता है, मैं जानता हूँ कल रात वो मेरे पास आया था और उसने मेरे से सब कुछ कन्फेस कर लिया है, उसने मुझे अपने द्वारा किए गए सभी गलत कामों के बारे में बता दिया है। यह सुनते से थॉमस चौंक जाता है, उसने ये भी बताया कि उसने तुम्हारे द्वारा दिए गए पैसों से क्या क्या किया था, और उसने भी वादा करा है कि वो मुझे सब कुछ लौटा देगा, और अब तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ ना हो तो तुम जा सकते हो। थॉमस कहता है, ठीक है माय लॉर्ड, और वो वहां से चलते हुए जाने लगता है और बोल रहा होता है, उस बूढ़े सांप ने उसने तो बिना कुछ सोचे समझे एक पल में ही पार्टी चेंज कर ली, चलो देखते हैं कि तुम दोनों कितने समय तक साथ रह पाते हो जब वो बूढ़ा राजा गुजर जाएगा। और इस पूरे देश में इस बात को लेकर उधम मचेगा कि अब उसका उत्तराधिकारी कौन होगा, तो क्या ये लॉर्ड उसके उसके बीच में अपने टाइटल को प्रोटेक्ट करने में कामयाब हो पाएगा। और फिर इसके बाद हमें नेक्स्ट में दिखाया जाता है, यान अपने कमरे में होता है और पढ़ाई लिखाई की प्रैक्टिस कर रहा होता है, और लिंडा को आवाज़ देते हुए कहता है, क्या तुम यहाँ पर आकर मेरी हेल्प कर सकती हो, मेरे को इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा है। वो कहती है, कहाँ पर, और उसके काफी करीब आ जाती है। यान शर्माना शुरू कर देता है और कह रहा होता है, इसे तो बिल्कुल फूलों जैसे महक आ रही है। लिंडा उसको उस शब्द का मतलब बता देती है और बता रही होती है कि लास्ट में अपने से मेमोराइज तो करा था। वो कहता है, अच्छा मेरे को याद आ गया, और ऐसा लगता है कि अब मैं रीडिंग और राइटिंग में काफी ज्यादा अच्छा हो गया हूँ, और इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया लिंडा। लिंडा कहती है, मुझे ये सुनकर काफी अच्छा लगा। और वो कहता है, मैं तुम्हारा किसी तरीके से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्या तुम्हें किसी
किसी चीज़ की ज़रूरत है, वो कहता है एक्चुअली मैं आपसे एक फेवर चाहती हूँ माई लॉर्ड। वो कहता है किस तरह का फेवर? वो कहती है मैं उस किताब को समझने की कोशिश कर रही हूँ जो हमें टेंशन में मिली थी, लेकिन मुझे इसमें कुछ परेशानी हो रही है। हमें इस बात से निराश हूँ काफ़ी और फ्रस्ट्रेटेड हूँ कि इसमें मुझे कितना टाइम लग रहा है, इसलिए हमें इसके लिए किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत है, कोई ऐसा जो कि प्राचीन भाषा से परिचित हो। और फादर कुछ हद तक यह जानते हैं, लेकिन हमें किसी और बेहतर पर्सन की ज़रूरत है। मैंने हमारे देश में एक ऐसे पर्सन के बारे में सुना है जो हमारी मदद कर सकता है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप उसे यहाँ पर बुलाएंगे। यान कहता है क्या उसको बुलाना है, लेकिन कहाँ से? वो कहती है वेल फिलहाल वो धोखाधड़ी के आरोप की वजह से जेल में है।